नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक की स्थिति को बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सिरे से नकार दिया है। उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि मंत्री हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों की बातचीत हुई है, जो भी मामला था उसका समाधान हो गया है। कई केंद्रीय नेताओं की भी इसमें अहम भूमिका रही है और सभी का इस बात को लेकर आभार भी उन्होंने जताया है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक में नाराज होकर बाहर चले गए थे और उनके इस्तीफे की खबरें भी लगातार चल रही थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल एक आदमी लगातार अगर किसी काम के लिए प्रयास करता है और जनता से किया वायदा किया हुआ पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो वो कोई की नाराजगी हो गई। स्वाभाविक होता है कि जब मैं चाहे मैं भी स्वयं हूँ, कोई मेरी बात बार बार ना मानी जाएगी और उसमें अधिकारी अपने अड़चन डालेंगे तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। और वही घटना हुई और उसके बाद उसकी जब हमारी हरक भाई की बात हम लोगों से हुई, अब वो ठीक है और पार्टी के साथ है। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में युवती ने कोतवाली पर जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवती की तरफ से आरोप लगाकर कहा गया कि पुलिसकर्मी की तरफ से उसके साथ छेड़छाड़ की गई। युवती की तरफ से फोटो में दिखाए गए पुलिसकर्मी को अन्य पुलिसकर्मियों की तरफ से पहचानने से इनकार कर दिया गया, जबकि युवती का कहना है कि पुलिसकर्मी उसी थाने में ड्यूटी पर मौजूद था, पर पुलिसकर्मियों की तरफ से उसे कहीं छिपा दिया गया है। युवती का हंगामा देखकर कोतवाली नगर के बाहर अन्य यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बता दें कि इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार की अभी तक कोई तहरीर दिए जाने की सूचना मिली है। वहीं उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा इसको सुनिएगा। आज हरीश रावत का उत्तराखंड के बॉर्डर पे स्वागत कराया जा रहा है। हरीश रावत को राहुल गांधी ने उत्तराखंड की कमान सौंप दी है। आप देख सकते हैं हरीश रावत के समर्थक किस तरह से बॉर्डर पे इनका स्वागत कर रहे हैं। हजारों की तादाद में देख सकते हैं कि रावत जी का स्वागत करने के लिए बॉर्डर पे जनसभा हो रहा है। उत्तराखंड की आवाज थी कि हरीश रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाए। आप देख सकते हैं कि हरीश रावत जी किस तरह से लोग इनका जोरदार से स्वागत कर रहे हैं। हरीश रावत जी क्या कहेंगे इस सैलाब को देखकर, इस सैलाब को देखकर क्या कहेंगे? लोगों की कृपा है, जन कृपा है, जन कृपा। आज इस जन सैलाब को देखकर क्या बीजेपी घबरा गई है? रावत जी क्या कहेंगे जो बीजेपी के नेता है टूट टूट कर कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या ये रावत जी की बाहर है? आप देख सकते हैं किस तरीके से हरीश रावत जी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इनका स्वागत करने के लिए। नारसन बॉर्डर पर पुरजोर से इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मेरे साथ न्यूज ऑन इंडिया पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इस जनसैलाब को दिखाएं कि किस तरीके से हरीश रावत जी के स्वागत में जनसैलाब उड़ रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद हैं। वीरेंद्र रावत जी आप देख सकते हैं हरीश रावत जी के साथ हजारों की तादाद में काफिला उनकी एक झलक पाने के लिए नारसन बॉर्डर पर पहुंचा था। उनके सपुत्र वीरेंद्र रावत जी मौजूद। रावत जी क्या कहेंगे इस जनसैलाब को देखकर? सबकी चाहत हरीश रावत, हरीश रावत। आज जो मैं कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरीश रावत जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है, आज पूरा उत्तराखंड बहुत खुश है और उत्तराखंड का एक एक जनमानस
ये अपनी खुशी जता रहा है, ये काफिला बताने के लिए काफी है। उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत शराब को देखकर आज बीजेपी के पैर उखड़ गए हैं। निश्चित तौर पर पैर उखड़ गए हैं और 2022 में जब रिजल्ट आएगा तब यहाँ से भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? राजपथ जिले के हरक सिंह रावत ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अभी तो रावत जी दिल्ली से चले मात्र हैं, तब ये हाल है। जब देहरादून पहुंचेंगे तब कुछ और ही जलवा होगा। तो क्या हरीश रावत जी द्वारा जो मगरमच्छ थे उनको पिंजरे में कैद कर दिया गया है? अब सब मिलजुल के जो है 2022 में कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मगरमच्छ कैद हो गए हैं, सब ठीक रहेगा और 2022 में कांग्रेस की विजय होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही है और मगरमच्छों को कैद कर लिया गया है। अपने सहयोगी अकील अहमद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड कब्जा निकल चुका है। गणेश गोंदियाल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, रावत जी को पूरी कमान दे दी गई है उत्तराखंड की? ये खुशी की बात है और कांग्रेस जनों का उत्साह आप स्वयं देख सकते हैं कि इस बात से कि चुनाव की कमान रावत जी के हाथ में दी गई है, सभी लोग प्रसन्न हैं। जिस तरीके से कांग्रेस को, मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से कई गुना अधिक जोश के साथ इस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करेंगे। और क्या बीजेपी घबरा चुकी है, क्योंकि बीजेपी के अधिकतर नेता रावत जी को देखकर और कांग्रेस को देखकर बीजेपी कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। रात त्रिवेंद्र सिंह, वो जो हरक सिंह रावत है और उमेश शर्मा का हूँ, उनके आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जिनका आपने नाम लिया अभी उनकी कोई बात नहीं है। कांग्रेस से 2017 में 16 में 12 गए थे, क्या 24 आएंगे? कई हैं लेकिन यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस के कई नेता अभी और आएंगे। अपने सहयोगी दिलशाद के साथ मोहम्मद अजीम, न्यूज वन इंडिया, उत्तराखंड। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी काशीपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जर्जर हो चुके स्कूल की इमारत के इतने बुरे हाल हैं कि यहां अभी भी कोई बड़ा हादसा बच्चों के साथ घटित हो सकता है। वहीं इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस जर्जर विद्यालय में आज भी बच्चे पढ़ने आते हैं। पूरे स्कूल में ना तो कोई खिड़की, ना ही बच्चों के बैठने के लिए बेंच है, और तो और छत के हालात ऐसे हैं कि मानो कभी भी गिर सकती है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 34 ग्राम स्मैक बरामद की है। दोनों स्मैक तस्कर कोतवाली क्षेत्र के ही लालपुर खुर्द और जैनपुर खुर्द गांव के निवासी हैं। वहीं कोतवाल यशपाल बिष्ट ने बताया है कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। लातपुर में एक इन्फॉर्मेशन पर अखिल के घर में दबिश दी थी, ये पहले भी स्मैक का काम कर चुका है। इसके कब्जे से वहाँ पर लगभग 24 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके साथ का एक और था, वो मौके से भाग गया था, उसका रिश्ते का चाचा लगता हो। और दूसरा हमने एक मेहताब को पकड़ा था, जैनपुर का रहने वाला, जैनपुर से पकड़ा था। इसके बाद लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इनके खिलाफ केस दर्ज करके आज इनको कोर्ट पेश किया जाएगा। वहीं लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र संजय नगर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के जन्मोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने आज के दिन को इंद्रमणि बडोनी के जन्मोत्सव को 2014 से लोक सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से प्रदेश के तमाम विद्यालयों में लोक सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी कड़ी में आदर्श इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि युवा बीजेपी नेता दीपेंद्र सिंह कोसियारी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुंदन सिंह मेहता और हेमंत नरुला भी शामिल हुए। देखिए, हमारा आज ये है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो हमारी उत्तराखंड की परिकल्पना थी, जिन्होंने उत्तराखंड बनवाया, जिनकी कल्पना थी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, उनका जन्मदिवस ये सरकार द्वारा इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
कि हम उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको हम बच्चों को बताएं और पूरे समाज में फैलाएं, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति धीरे धीरे जो है पलायन होते जा रही है। जिस प्रकार लोगों का पलायन हो रहा है उसी प्रकार संस्कृति का भी पलायन होते जा रहा है। आज हम अपने बच्चों के द्वारा जो उत्तराखंड की संस्कृति है विभिन्न तरीके से उजागर कर रहे हैं और समाज में उसका संदेश दे रहे हैं और उसी को हम आज दिखा रहे हैं। देखिए, जो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रमणि बडोनी जी हैं, उन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। उनके द्वारा इस उत्तराखंड की एक बहुत मजबूत नींव रखी गई। उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए जितनी समस्याएं झेली, इस उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो जो काम किए, चाहे पर्यावरण से लेके, चाहे इस उत्तराखंड में उन्होंने अपने गांव से लेके देहरादून तक कहते थे, अपने गांव से लेके उस वक्त जब लखनऊ था, जितने चक्कर काटे, जितना उन्होंने घूमा, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने 2000 से लेके 2500 गाँव का तो उन्होंने खुद पद कर अपने चल कर दौरा किया, समस्याएं सुनी, समझे। वहीं नैनीताल में डीएम कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह रावत, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य और एसडीएम प्रतीक जैन ने कोरोना काल में जिन लोगों का निधन हो गया था उनके परिवार के सदस्यों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक बांटे हैं। इस दौरान एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा, सरकार की तरफ से कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें मृतक आश्रित को 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। नैनीताल तहसील में अभी तक 70 परिवारों को यह सहायता दी जा चुकी है। तो नैनीताल की तस्वीरें, जहां पर कोरोना काल में दिवंगतों के परिवार को आज चेक दिए गए हैं, तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें मुहैया कराई गई है जिनकी कोरोना काल के दौरान मौत हो गई थी। जो निर्णय लिया गया है कि कोविड के कारण किसी की भी अगर मृत्यु हुई हो तो उनके मृतक आश्रितों को 50,000 प्रत्येक मृतक के परिवार को दिया जा रहा है। तो इसमें हमने नैनीताल तहसील अंतर्गत अभी तक 70 ऐसे परिवार हैं जिनको हम चेक वितरित कर चुके हैं। तो नैनीताल तहसील अंतर्गत करीब 35 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और अगर ज़िले की बात करें तो 230 मृतक आश्रितों को चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो आप मान सकते हैं करीब करीब 1,15,00,000 रुपए केवल कोविड मृतक आश्रितों को यहां से दिया जा चुका है। नैनीताल में बीजेपी महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रही है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री शांति मेहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए जो जन कल्याण योजनाएं चला रखी हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का हर महिला को प्रयास करना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कैलाश पंत ने कहा, मातृशक्ति वो शक्ति है जो दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। पंतनगर किक्षा विधानसभा क्षेत्र के नगला को नगर पालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद नगला पहुंचे किक्षा विधायक राजेश शुक्ला का नगला वासियों की तरफ से ढोल नगाड़े और पटाखे और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें लड्डुओं से तौला गया। वहीं आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। कहना चाहता हूं कि नगला का पुराना हक था, ये नगला बहुत पुराना राजस्व गांव था, लेकिन दुर्भाग्य से ग्राम सभा नहीं बन पाया था और नगर बन जाने के बाद, नगरी जैसा विकसित हो जाने के बावजूद, इतनी अच्छी मार्केट बन जाने के बावजूद भी नगला, पंतनगर, हल्दी ये नगर के और ग्राम की दोनों सुविधाओं से वंचित थे। त्रिस्तरीय पंचायत की जो सुविधा होती है उससे वंचित थे। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ऐतिहासिक कार्य किया है हमारी सरकार ने, मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री धामी जी का, मैं आभारी हूँ उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी जिन्होंने इसकी घोषणा की थी, और धामी जी का खास तौर पर जिन्होंने हमें मुक्त किया इसकी धनराशि भी और साथ साथ। दर्शकों, पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने गरीब छात्र छात्राओं को दुगड्डा विकास खंड के अंतर्गत अध्ययन सामग्री का वितरण किया है। इससे पहले प्रमुख द्वारीखाल दुगड्डा ब्लॉक के 13 विद्यालयों में निर्धन छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री बांट चुके हैं। विकासखंड द्वारीखाल और यमकेश्वर के सभी विद्यालयों में पहले ही गरीब छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की जा चुकी है। यह प्रमुख राणा की अनूठी पहल है कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने 1500 गरीब छात्र छात्राओं को गोद लेकर उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया है।
आज यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमसौड़ और राजकीय इंटर कॉलेज दुगड्डा में उन जरूरतमंद बच्चों से मुलाकात होगी, उनको उनकी जो सामग्री है उनको वितरण करा जाएगा और गुरुजनों से वार्ता करेंगे और किस तरह से हम स्कूलों की व्यवस्थाएं और अच्छी कर सकते हैं, उन बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से किस तरह से और व्यवस्थाएं बना सकते हैं। और मेरा ये प्लान रहेगा, मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूं, मैंने जो 1500 बच्चे गोद लिए हैं उसी में आज ये हमारा उन बच्चों से मुलाकात है और मुझे बड़े अच्छे अच्छे सुझाव बच्चों से मिल रहे हैं, गुरुजनों से बड़े अच्छे अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। और मेरी एक ये छोटी सी पहल है कि जिस तरह से मैं उन बच्चों के लिए किस तरह से अपने जो पहाड़ की परिस्थितियां हैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। ऋषिकेश के मुनि कीरेती क्षेत्र में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ऋषिकेश रेबार एक नया उत्तराखंड नाम के कार्यक्रम में शामिल हुए और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पोस्टर पर अपनी श्रद्धांजलि के रूप में दो शब्द लिखने के बाद सभी ने उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो राज्यपाल ऋषिकेश के कार्यक्रम में शामिल हुए जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ऋषिकेश हरिद्वार से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने पहुंचे दो युवकों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 290 नशीले और प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान कासिब और रिजवान के रूप में हुई है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वो कम समय में ज्यादा रुपए कमाने के लिए नशे के सौदागर बने हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चेकिंग के दौरान दो युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 290 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, देखिए, पुलिस के द्वारा इसमें जो इसमें धंधे में लिप्त हैं पर कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ते में हमारे द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी अब्दुल बहाव कासमी अपने एक हफ्ते के कुमाऊं दौरे पर उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के अल्पसंख्यक सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज के बीच रखा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल बहाव कासमी ने कहा कि बीजेपी के सिद्धांत और प्रधानमंत्री का आह्वान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव ना करने से मुसलमानों का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है, इसलिए आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी जिसमें मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। चमोली के विधानसभा थराली के पिंडर घाटी के थराली देवाल वाण लाटू धाम के साथ ही विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड होमकुंड ट्रैक पिंडारी ग्लेशियर सहित दर्जनों आस्था श्रद्धा और पर्यटक स्थलों को जाने वाला लोक निर्माण विभाग का एकमात्र मोटर मार्ग कितनी जर्जर और खस्ता हालत में है इसकी बानगी आए दिन देखने और सुनने को मिलती है। इस सड़क पर लगातार मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं जिससे जान माल का खतरा बना रहता है, लेकिन लोगों की लाख कोशिशों और फरियादों के बावजूद भी इस सड़क की दशा सुधरने का कोई नाम नहीं ले रही है। ये थराली वाण मोटर मार्ग जो है काफी समय से जो है खराब चल रहा है। यहाँ पे जो है हम जो है सरकार को कई बार लेटर दे चुके हैं, माननीय विधायक जी को हमने कई बार लेटर दिए, मुख्यमंत्री तक हमने लेटर दे दिए हैं और हमने अल्टीमेटम भी कई बार दे दिए हैं और ये सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि हमारी रोड जो है बहुत ख़राब है। आए दिन जो है यहाँ पर गाड़ियाँ टूट फूट जाती हैं और कई बीमार लोग जो है रास्ते में फंस जाते हैं। आज देखो कितनी गाड़ियों की यहाँ पर कतार लगी हुई है और कितने लोग यहाँ पर रुक चुके हैं, जो कि देश विदेश से पर्यटक आए थे वो यहाँ पर फंस चुके हैं। कि हमारे रोड के जो हालत हो रखे हैं थराली से वहाँ तक, आज के दिन में आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख है, 24 तारीख को जो है थराली से वहाँ के बीच में जो है 3 गाड़ियाँ जो है रोड में फंस चुकी हैं। यहाँ पर ये देखिए सामने बड़ा ट्रक है, हैवी ट्रक है, ये यहाँ पर हमारे जो है कलमठ के कारण कलमठ टूट चुका है और ट्रक जो है पूरी धंस चुकी है। देवाल विकास खंड के लोहाजंग जो कि पर्यटक स्थली है वहाँ पे खड़ा हूँ और आज यहाँ पे मैं शासन को
ये बताना चाहता हूँ कि थराली देवाल मोटर मार्ग जिस पे कि बहुत आवाजाही रहती है और पर्यटक अभी यहाँ ब्रह्मताल ट्रैक पर आते हैं और इस सड़क की हालत ऐसी है कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रहे हैं। पिछले दिनों ग्राम पंचायत लुवाणी के निकट एक रेत ले जाता डंपर पलट गया था और आज लोहाजंग में यहाँ पे एक और जो है ट्रक एक जो कॉजवे में धंस गया है। कि आप अगर वीडियो के माध्यम से दिखा सकते तो यहाँ पे ये टेम्पो जो है कि खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि इस मैं देहरादून से हमेशा वाहन चलने वाला आदमी हूँ, तो यहाँ पे आप लोग इस रोड की ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे अगर मैं कर्णप्रयाग ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल डैमेज रोड है। तो फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।